हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी बुली। जी हाँ दोस्तों, जिसे इंडियन बुली, पाकिस्तानी बुली इन नामों से जाना जाता है। जो एक इंटरेस्टिंग सी बात है, आपने शायद नोटिस की हो या ना की हो, आपने देखा होगा पाकिस्तानी बुली हमेशा दो लोग उसको हैंडल करते हैं, पाकिस्तानी बुली को। ऐसा क्यों है उसको दो लोग हैंडल करते हैं? और दोस्तों, एक और नोटिस करने वाली चीज़, उसको दो जगह से बांधा जाता है। एक तो गले से बांधा जाता है, एक उसको चेस्ट बेल्ट से बांधा जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्या खासियत है जिसको ये मतलब दो आदमी उसको हैंडल करते हैं और दो जगह से क्यों बांधा जाता है? तो ये सभी आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल एंड तक देखना, जब भी आप समझ पाओगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जितना सब्सक्राइब करना जरूरी है उतना ही बेल आइकन दबाना भी जरूरी है, ताकि अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी बुली बहुत ज़्यादा फेमस ब्रीड है, क्योंकि पिटबुल के बाद अगर कोई फेमस ब्रीड है तो मैं इसको मानूंगा जो फाइटिंग लाइन में है। दोस्तों, ये फाइटर ब्रीड है, इसकी फाइटिंग होती है पंजाब साइड में, और इसकी ब्रीडिंग भी सबसे ज़्यादा पंजाब साइड में ही होती है। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, क्यों इसको दो बंदे बांधते हैं, क्यों उसको हैंडल करने के लिए दो बंदे ज़रूरी हैं। दोस्तों, एक तो इसकी नॉर्मल हाइट, ये हाइट में बहुत लार्ज ब्रीड है, बहुत ज़्यादा लार्ज ब्रीड मानूंगा मैं तो इसको। इसकी हाइट कोई अच्छी लाइन का बच्चा हो तो पेट तक भी आ जाती है इसकी हाइट। दोस्तों, देखने में बहुत डरावना लगता है, बहुत डेंजर लगता है, इसमें वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों, इतनी हाइट इतने वेट के साथ एक बंदा तो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। आपको मैं नॉर्मल एक बात बताऊँ, अगर आपके पास डॉग होगा तो आप जल्दी से समझ जाओगे। आपके पास अगर पोमेरियन या फिर वोडाफोन टॉय ब्रीड भी है ना, अगर वो भी खेलने के मूड में आ जाती है ना भाई, तो वो भी आपको, जैसे आप उसको घुमाने लेके जा रहे हो, उसका खेलने का मन है, तो वो भी आपको रोड पे भगा देंगे, आप उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और जिसमें ये तो आपका पाकिस्तानी बुली है दोस्तों, अगर ये बाई चांस एग्रेसिव हो जाता है, किसी के ऊपर अटैक करने की पोजिशन में आ जाता है, तो दोस्तों एक बंदे की बस की नहीं है कि इसको हैंडल कर सके, बिल्कुल भी नहीं हैंडल कर पाएंगे दोस्तों। ये अटैक कर देगा, या फिर अगर खेलने के मूड में तो आपको रोड पे घसीटता ले जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए इसको दो बंदे हैंडल करते हैं, ताकि एक बंदा, और यही रीज़न इसी से अटैच है दूसरा भी, इसको कॉलर से बांधा जाता है, गले से, और इसकी चेस्ट से। ऐसा क्यों करते हैं, देखो दो बंदे बांधते हैं इसको, दो जगह से बांधा जाएगा तो दो बंदों की ज़रूरत होगी। अगर जैसे ये बाई चांस किसी पर अटैक करने के मूड में होता है, उसकी तरफ भागता है, तो एक बंदा इसको गले की पट्टा पकड़ के खींचेगा और दूसरा बंदा इसकी चेस्ट बेल्ट को पकड़ के खींचेगा, ताकि इसकी पूरी बॉडी को रोक सकें एकदम से, ताकि ये किसी पर अटैक ना कर सके। तो दोस्तों, इसीलिए इसको दो बंदे हैंडल करते हैं, और इसको इसीलिए दो पट्टों से बांधा जाता है। और कुछ कुछ बंदों के अपने शौक होते हैं, ताकि अपना रॉफ जो है, मतलब अपनी दिखाने के लिए, रॉफ दिखाने के लिए दो बंदे रखते हैं, दो पट्टों से बांधते हैं, ताकि डॉग शो के लिए, ताकि डॉग एग्रेसिव लगे और अच्छा लगे देखने में, थोड़ा ख़तरनाक लगे, इसलिए बंदे कुछ कुछ काम करते हैं। जाना इसका एग्रेसिवपन, और दोस्तों इसका एक्टिवपन बहुत ज़्यादा है, इसकी लूज स्किन होती है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, लाइक ज़रूर करना, और पाकिस्तानी बुली लवर के साथ ज़रूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।